किसे पास है समा होवे अते नाल ही पैसा खर्च करने दे समर्था होवे तां गर्मिया विच पहाड़ा दे सैर वर्गा आनंद शायद ही किसे होर चीज पासों मिल सकदा है। डंडी ए सैर केवल आत्मा ले ही आनंदमयी नहीं हुंदी सगों दे अरोगता ले भी बड़ी वधिया है। डंडी मई जून दे महीने जदों मैदाना विच अग बर रही हुंदी है अते गर्म लू नाल मनुखी शरीर झुलसे जा रहे हुंदे हन उदों पहाड़ा विच जाके वेखो ता उथों दी शीतल हवा ना केवल जिस्म नूं ही ठारदी है सगों आत्मा नूं भी संतुलता ते शांति बख्शदी है। डंडिंग कम्मा कारा विच उलझे हुए इंसान रूह जदों थक टुट के चूर हो जांदी है तां शहरां दी खच खच तों दूर किसे शांत पहाड़ दी टीसरी उत्ते जाके शांति लभदी है। डंडिंग ए एक ठोस सच्चाई है कि थोड़े जहे दिना दी पहाड़ दी सैर चूर चूर हुए मनुख नू फिर नवा नरोआ कर दिंदी है। डंडी ओ ताजा दम होके जीवन दिया समस्यावां दा सामना बड़े साहस नाल करने दे योग हो जांदा है। डंडी पहाड़ा विच जड़िया बूटियां अते खाना आम मिलदियां हन जिहड़ियां बड़ियां ही गुणकारी अते लाभदायक हुंदियां हन। डंडी पहाड़ां उत्ते लोक वख वख मंतवां नूं मुख रख के जांदे हन। डंडी इस तरह एक मंतव दी पूर्ति हो जांदी है अते दूजा ओ सैर भी कर आउंदे हन। डंडी कुदरत दी बख्शिश नाल पहाड़ां उत्ते बहुत ठंड हुंदी है। डंडी गर्मियां विच जिस वेले मैदानी इलाकियां विच धरती तत्ती रेत वांग तपदी है अते गर्म लू वगदी है उस वेले पहाड़ी हिस्सों विच मीह पैंदे हन। डंडी ठंडी ठंडी हवा रुमकदी है अते इस तरह सारा नजारा अत रमणीक हो जांदा है। डंडी पहाड़ां दी उतराई चढ़ाई विच सैर करन नाल मन बहुत प्रसन्न हुंदा है अते जो खाई जाओ हजम हुंदा जांदा है। डंडी व्यापारी लोक व्यापार नूं मुख रख के पहाड़ां उत्ते जांदे हन। डंडी जिहड़ियां चीजां मैदानी इलाकियां विच सस्तियां हुंदियां हन ओह पहाड़ी इलाकियां वल लै जांदे हन अते उधरों सस्तियां चीजां मैदानी हिस्सियां विच लिया के लाभ कमाउंदे हन अते इस तरह ओह सैर भी कर आउंदे हन। डंडी भयानक बीमारियां दे रोगी भी अपनी सेहत अते रोगता लई पहाड़ां उत्ते जांदे हन। डंडी दे रोगियां नूं गर्मी दे दिनां विच पहाड़ां उत्ते जाण लई डाक्टर आम करके एह राय दिंदे हन क्योंकि उत्थों दी ठंडी हवा ते फलां फुल्लां दी वरतों उन्हां दे रोग नूं ठीक करन विच सहाई हुंदी है। डंडी सो बीमारां लई पहाड़ां दी सैर तां बहुत ही उपयोगी है। डंडी वड्डे वड्डे हकीम सन्यासी अते खोजी पहाड़ां उत्ते जड़ियां बूटियां अते खाना दी
ਖੋਜ ਲਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੰਡਿੰਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਸਬ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਡੰਡਿੰਗ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੰਡਿੰਗ। ਸੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਸਾਡੀ ਅਰੋਗਤਾ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ।